तो अंतिम दिन जो है प्रिया ठाकुर जी भाई लास्ट ठंडी अंतिम दिन को जीता है ये प्रिया पता नहीं प्लेट दिखाई है ना। ये अभी हम महोदय गंगा स्नान करके आ रहे हैं। आज बहुत ही शुभ था, आज की पौड़ी से वापस आकर काफ़ी ठंडी हो रही थी, इसके बावजूद जो गर्म गर्म रही हमें पराठा मिला है पूरी के रूप में, पराठा जो पूरी के रूप में मिला तो बहुत और कुछ उत्साहित है। यात्रा से जुड़ा कुछ यात्रा से जुड़ा कुछ बताएंगे, हमारे पास शब्द नहीं है। काफ़ी 25 दिनों से हम काफ़ी इन्जॉय किए, नॉर्थ इंडिया घूमा, इवन साउथ घूमा, ऋषिकेश में घूमे, गया घूमे, बहुत सी नए नए स्थानों पर गए। और हमारी तमाम जो यात्रा रही 25 दिन की बहुत ही आनंदमय रही, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ देखने को मिला, नए नए मित्र मिले, नए नए संबंधी मिले। तो हमारे पास शब्द नहीं है किन शब्दों में मैं इस यात्रा का वर्णन करूं, सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा होगा और ताउम्र याद रहेगा। और आपसे भी यही कहना चाहेंगे कि अगर अपने जितने भी निजी कार्य हैं, जो भी आप घर में जो आपकी दैनिक दिनचर्या रहती है, इसको छोड़ छाड़ के एक बार कम से कम ऐसे ट्रिप पर जरूर निकलें, कुछ दिन अपने लिए भी निकालिए। देखिए ज़िंदगी जीना और ज़िंदगी गुजारना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अब आपके हाथ में है कि आप ज़िंदगी जीते हैं या गुजारते हैं। मेरे ख्याल से ज़िंदगी गुजारने सब ले हैं, लेकिन इस कम से कम कुछ दिन इसके लिए निकालो, उसको जी के दिखाओ जी। धन्यवाद भैया ठाकुर जी, इसी के साथ ही गुड लक आपका मैं इंतजार रहेगा। ये था भैया ठाकुर जी और हम जो है पहले ही ब्लॉग में जुड़े थे आते और अंतिम ब्लॉग ये हमारा फीडबैक, बहुत बड़े फीडबैक है शर्मा जी, और जो इनका साथ रहा बेशकीमती साथ रहा, और आज तक 42 साल की उम्र में शायद ऐसे पहले ये दोस्त मिले जिन्होंने हमारे दुख दर्द को समझा, हमारे इमोशन को समझा। सैल्यूट शास्त्री जी आपको भी, ये प्यार है बड़े भाई का और ये बना रहे बस यही बिल्कुल कामना है।